दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त ये कारवां जारी और सारी है। यहाँ पर सभी मुल्कों के लोग आए हुए हैं और हमारे साथ इंडिया से भी काफ़ी लोग आए हुए हैं और यहाँ पर भी इंडिया का परचम बाकायदा जगह जगह पर नज़र आ रहा है। और ये देखिए आपके सामने कितने लोग, किस कैमरा मूव, ये देखिए कि कितने मोमिन यहाँ पर चले जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे साथ में, खवातीन हैं जिनके साथ छोटे बच्चे मौजूद हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक इज्तिहाम है, एक भीड़ है जो सफर इश्क पर निकल चुकी है और ये करबला की तरफ रवाना है। परवरदिगार सेहत दे, सलामती दे, इंशाल्लाह आगे का मंजर हम आगे और भी आपको दिखाते रहेंगे। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये मशी के दौरान जो किस तरह से औरतें बच्चे यहाँ पर अपने इमाम को की खिदमत में कुर्सा पेश करने जाते हैं, और ये देखिए एक छोटा सा बच्चा जो अपनी माँ की गोद में कितना खुश नज़र आ रहा है। सलाम हो इन मोमिन पर, सलाम हो तमाम करबला के सफर करने वालों पर। सलाम या हुसैन, लबैक या हुसैन। ताहर दिन अगर आप देख रहे हैं कि भीड़ है, इतिहाम है, लोग पूरी दुनिया से आए हैं। यहाँ का मंजर कोई भी लफ्ज़ों में नहीं बयान जा सकता है। कोई भी चीज़ यहाँ की लफ्ज़ों में बयान करना नामुमकिन सा है, क्योंकि ये करबला है। करबला खुद अपने आप में एक मौजूदा है। यहाँ पर काफ़ी तादाद में दुनिया के गोशे गोशे से लोग आए हुए हैं और ज़ियारत इंसान के लिए नजर से करबला पैदल सफ़र कर रहे हैं। इस तस्वुर को बताना और समझाना नामुमकिन है। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह हम सब को तौफीक अता करे और अपनी आँखों से आकर ये मंजर नजर से करबला का सफ़र जो बाकायदा किया जाता है वो मंजर अपनी आँखों से देखें। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इंशाअल्लाह आपको मज़ीद ये प्रोग्राम दिखाते रहेंगे। ग्राफ एजेंसी की टीम की जानिब से ये मुसलसल प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जाता रहेगा। वस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हर जगह से ज़ायर आए हुए हैं और वो किस तरह से इस रूहानी सफ़र में हम सब के साथ चल रहे हैं। और यहाँ पर इंडिया से आए हुए जनाब जो कि मारूफ हैं मुन्ना साहब के नाम से, ये मुसलसल ईरान से होते हुए नजफ़ से मुसलसल ये व्हील चेयर पर सफ़र कर रहे हैं, और इनके साथ मौजूद हैं जनाब जॉन नकवी साहब जिनकी बेपनाह खिदमतें हैं, जो कि इस जायर हजूर जायर को लेकर नजफ़ से करबला तक व्हील चेयर से करबला मोहल्ला तक ले जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, पाकिस्तान लाहौर से। जी, इस नूरानी सफ़र में आकर आपको कैसा महसूस कर? बहुत अच्छा महसूस हुआ है, रूह को बड़ी तस्कीन महसूस हुई है, दिली तौर पे बहुत इत्मीनान महसूस हुआ है, ईमान ताज़ा हो गया है। क्या इस नूरानी सफ़र में आपको पहली बार शरीक हुए हैं? नहीं जी, ये मेरा 14वां सफ़र है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हर बार कुछ आपको क्या किस तरह का महसूस होता है? 14 बार हर बार मुझे एक खास चीज़ महसूस हुई है, वो ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये खूनी इनकलाब इंसानियत का दर्स देता है। दुनिया की कुछ कीमत नहीं है, दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। अगर कोई हैसियत और कीमत है तो वो ईमान की है, अगर कोई कीमत और हैसियत है तो वो इस्लाम की है। खुदा आपको सलामत रखे और इस नेक जज्बे को हमेशा कायम रहे। बहुत और मैं दुआ करूँ कि खुदा आपके सफ़र को कामयाब करे, आपकी ज़ियारत कबूल करे इमाम। और आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। بسم الله الرحمن الرحيم، التقينا على طريق الحسين أبا عبد الله بصحبة الأخ أبي ذر من جمهورية الهند الديمقراطية، وتشرف بزيارة الحسين أبا عبد الله عليه سلام الله، وأنه يقول أني أنا من شيعة أمير المؤمنين والموالين إلى علي وأولاد علي عليهم سلام الله، ونسأل الله اللهم صل على محمد وآل محمد، ونسأل الله يعيدها علينا وعلى الأسلام جميعا في بقع الأرض في مشارقها ومغاربها، وأن يرفع راية محمد رسول الله فوق كل راية، وينكس راية الظلمة والفاسقين والفاجرين والوهابين من آل سعود وأتباعهم عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة، بفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد